सीबीएसई ने 12वीं के बाद 10वीं का भी रिजल्ट किया जा रही 93.60% स्टूडेंट हुए पास, तिरुवनंतपुरम का फिर रहा दबदबा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के एक घंटे बाद 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम पिछले साल के मुकाबले 0.48% बेहतर रहा है। पिछले साल हाईस्कूल का पास प्रतिशत 93.12% रहा था, जो इस साल बढ़कर 93.60% रहा है। साल 2024 में 94.75% लड़कियां जबकि 92.71% लड़के पास हुए हैं, यानी इस साल के परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। आज घोषित हुए सीबीएसई कक्षा 10 के नतीजों में 99.75% के साथ तिरुवनंतपुरम का सबसे दबदबा रहा। तिरुवनंतपुरम का पास परसेंटेज 99.75% के साथ सबसे अधिक है। इसके बाद विजयवाड़ा और चेन्नई में क्रमशः 99.60% और 99.30% है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbserizults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। पिछले साल बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई थी। बोर्ड से जुड़े एक सीनियर ऑफिसर ने कहा था कि स्टूडेंट्स के बीच अनहेल्दी कंपटीशन ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने मेरिट लिस्ट ना जारी करने का फैसला किया था। इस साल भी बोर्ड एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। किसी टॉपर का नाम भी अनाउंस नहीं किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए फाइनल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट में मिलाकर सभी सब्जेक्ट्स में ओवरऑल 33% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। पिछले साल सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट 12 मई को जारी किए थे। पिछले साल क्लास 10वीं का पास परसेंटेज 93.12% था। 2022 की तुलना में ये 1.28% कम था। वहीं क्लास 12th का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 87.33% था। ये 2022 की तुलना में 6% कम है। 2022 में 12वीं का पासिंग परसेंटेज 92.71% था। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि बोर्ड ने 2025 की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से कराने का फैसला किया है।